उद्धव ठाकरे बोले मुंबई के साथ शिवसेना का अटूट संबंध है। मुंबई में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव में भाजपा को उनकी पार्टी को हराने की चुनौती दी और कहा कि मुंबई के साथ शिवसेना का संबंध अटूट है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर 1.54 लाख करोड़ रुपए की वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना के बारे में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया, जिसे गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया। गोरेगांव उपनगर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना को भाजपा शासित राज्य में स्थानांतरित करने के बाद भारी प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी से मुंबई निकाय चुनावों में शिवसेना को उसकी जगह दिखाने के लिए कहा है। मैं आपको इसे आजमाने की चुनौती देता हूं। शहर के साथ शिवसेना का रिश्ता अटूट है और पार्टी आम मुंबई वासियों के दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। जब भी आवश्यकता होती है हम उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ठाकरे ने शिवसेना की पूर्व सहयोगी भाजपा से लोगों को यह बताने के लिए कहा कि महानगर के निर्माण में उसका क्या योगदान है। ठाकरे ने वंशवाद की राजनीति के लिए उन्हें निशाना बनाने को लेकर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा, मुझे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लेने वाले अपने परिवार पर गर्व है। ठाकरे ने राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में कोविड महामारी के दौरान भ्रष्टाचार के भाजपा के आरोप की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर जाने बचाना भ्रष्टाचार है तो हमने क्या किया है, अगर जाने बचाना भ्रष्टाचार है तो हमने यह किया है।